वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। सो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप सभी के लिए हूँ टेम्पोरी स्ट्रेटनिंग की वीडियो। किस तरह से हमें अपने हेयर में टेम्पोरी स्ट्रेटनिंग करना चाहिए, टेम्पोरी स्ट्रेटनिंग क्या होता है एंड कितने दिन हमारे बालों में स्टे करता है एंड कौन सा आपको आयरन मशीन लेना चाहिए। टेम्पोरी स्ट्रेटनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ना अगर आपका पार्लर है एंड आपके पास भी ऐसे क्लाइंट जरूर आते होंगे जो बोलते होंगे मैम हमारे हेयर में ना कम से कम 15 डेज और 20 डेज तक स्ट्रेट रहे, ऐसा आप स्ट्रेट कर दो। क्योंकि आप चार्ज भी इसका ज़्यादा लोगे 400, 500 या 300 तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना होता है। तो मैं आपको जिस तरह से बताऊंगी आप सेम वैसे करना। आपका जो स्ट्रेटनिंग होता है ना कम से कम 1 मंथ चल जाएगा अगर आप हेयर वॉश ना करो, बट हर कोई 10 डेज या फिर 7 डेज पे हेयर वॉश तो कर ही लेता है। तो ये रिजल्ट तब तक रहेगा जब तक क्लाइंट हेयर वॉश नहीं करेंगे। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप टेम्पोरी स्ट्रेटनिंग अच्छे से सीख जाओगे तो आप परमानेंट स्ट्रेटनिंग, केराटिन सब कुछ अच्छे से कर लोगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए होंगे, मेरे कंटेंट आपको पसंद आ जाएंगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पिक्चर क्लिक कर लेना है बिफोर क्लाइंट का। इससे आपको ही पता चलेगा कि लास्ट में रिजल्ट कैसा आया है। सो आप बिफोर देख सकते हो इनके हेयर। नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्लीन टॉवल जो कि बिल्कुल भी वेट नहीं हो वो क्लाइंट को इस तरह से शोल्डर पे रखना है। टॉवल इसलिए हम रखते हैं ताकि उनको हीट ना लगे। नेक्स्ट आपको चाहिए सीरम, आप सीरम यूज़ कर सकते हो या फिर आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। मैं आज आप लोग को एलोवेरा जेल के साथ बता रही हूँ, मैंने सीरम के साथ तो पहले भी आपको बताया। एलोवेरा जेल भी एज ए हीट प्रोटेक्टर वर्क करता है एंड बहुत अच्छे से हेयर को ना स्ट्रेट रखता है। सो आप इस टिप्स को ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट मैं आपको मशीन दिखा रही हूँ, मेरे पास दो है, आइकॉनिक की प्रो स्ट्रेट एंड आइकॉनिक की ग्लैम स्ट्रेट। दोनों का दोनों बहुत अच्छा है, बट आइकॉनिक की जो प्रो स्ट्रेट है ना जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ वो मुझे ज़्यादा सही लगता है क्योंकि थोड़ा सा चौड़ा है ना तो बहुत फास्ट हो जाता है। इवन आप आइकॉनिक की टाइटेनियम वाली भी ले सकते हो। इसमें आपको ऑन ऑफ का बटन है, प्लस माइनस एंड आपको डिग्री टेम्परेचर सब कुछ दिया हुआ है। मैं 230 पे करूँगी, मैंने ऑन कर लिया है। नेक्स्ट आपको कॉम चाहिए इस तरह की। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप मशीन को ऑन करोगे ना तो सबसे पहले ग्रीन लाइन चलती है, उसके बाद वो एकदम स्टेबल हो जाता है रेड लाइन पे। तो आपको समझ जाना है कि आपका जो स्ट्रेटनर होता है वो गर्म हो चुका है। तो स्ट्रेटनर 2 मिनट पहले ही आप ऑन कर दीजिएगा, थोड़ा टाइम लगता है 1 मिनट पहले, इससे वो हीट हो जाता है। सो आप जो भी स्ट्रेटनर यूज़ करते हो सेरेमिक प्लेट का होना चाहिए, ये एक सेरेमिक प्लेट स्ट्रेटनर है तो बहुत अच्छा है, हेयर को बहुत अच्छे से स्ट्रेट भी करेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, हेयर को 4 पोर्शन में डिवाइड करना है। एंड आप देख सकते हो मेरे अगल बगल मेरी स्टूडेंट लोग भी है, मैं वो लोग को भी सिखा रही हूँ। तो मैं क्लासेस की ही वीडियो आप लोग से भी शेयर करती हूँ, वो लोग को भी सिखा रही हूँ, इसलिए धीरे धीरे बता रही हूँ आप लोगों को भी। 4 पार्ट्स में हम हेयर को डिवाइड करते हैं, ईयर टू ईयर एंड पीछे में 2 पोर्शन। अगर आपको भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन को पढ़ूंगी एंड मुझे अगर इम्पॉर्टेंट लगेगा तो मैं रिप्लाई दूंगी। बहुत बार क्या होता है बहुत लोग ऐसे वैसे भी कमेंट कर दे जो मुझे समझ नहीं आते, तो थोड़ा अच्छे से कमेंट कीजिएगा, समझ आ जाएगा मुझे। नेक्स्ट आपको पीछे में इस तरह से हेयर को निकालना है, कॉम की पीछे वाली पॉइंट से इस तरह की कॉम आपको लेनी है एंड कॉम जो भी यूज़ करते हो वो अच्छी ब्रांड की होनी चाहिए। सो एकदम नीट प्रॉपर सेक्शन निकला है। मैं दोबारा दिखा देती हूँ, मैं उन लोग को भी दोबारा दिखा रही थी अपने स्टूडेंट लोग को। नेक्स्ट मैं आपको सेक्शन क्लिप की मदद से दिखा रही हूँ, इससे भी आप इस तरह से सेक्शन निकाल सकते हो। मुझे तो सेक्शन क्लिप की मदद से ही ज़्यादा सही लगता है, एकदम नीट एंड क्लीन निकलता है। 3 तरह से मैंने दिखा दिया आपको, जैसे सही लगता है। नेक्स्ट आपको टाई कर देना एंड आपको इतने हेयर निकालना है जिसमें आपकी हथेली दिखे, बहुत ज़्यादा मोटा पोर्शन नहीं लेना है। नेक्स्ट आपको होल्डिंग सीखना है, आपको इस तरह से 2 फिंगर में होल्ड करना है। देखो यह मेरी स्टूडेंट भी होल्ड कर रही है, मैं उनको भी सिखा रही थी ना इस वजह से। नेक्स्ट क्या करना है, रूट से 1 या 2 इंच छोड़ के आपको इस तरह से फास्ट मूवमेंट में वहाँ पे स्ट्रेट करना है, एकदम फास्ट मूवमेंट। नेक्स्ट आपको कॉम रख देना है, नेक्स्ट धीरे धीरे स्ट्रेटनर को नीचे की ओर लाना है, फिर से कॉम ऊपर रखना है एंड धीरे धीरे इस तरह से स्ट्रेट करना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, एक हेयर में कम से कम 7 या 8 टाइम करते हर एक हेयर में प्रॉपर हीट लगना चाहिए, अदरवाइज जो आप स्ट्रेटनिंग करोगे ना क्लाइंट का वो खुल जाएगा। इस तरह से एकदम अच्छे से करना है एंड धुआं इसलिए निकल रहा है क्योंकि हमने एलोवेरा जेल को अप्लाई किया है। आप सीरम भी अप्लाई करोगे तो धुआं निकलेगा ही निकलेगा, घबराने वाली बात नहीं, हेयर बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। मैं 230 पे कर रही हूँ, अगर आप बिगनर्स हैं, आप पहली बार स्ट्रेटनर अपने हाथ में ले रहे हो, आप 180, 110 या फिर 140 पे क्लाइंट को कीजिएगा, अदरवाइज हेयर उनके जल सकते हैं क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही होगा। नेक्स्ट हमने जो टॉवल
दिया है क्लाइंट को, तो उनको बिल्कुल भी हीट नहीं लगेगा। नेक्स्ट मैं आपको रिपीट फिर से दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको रूट स्केल्प के पास करना है एंड धीरे धीरे आपको नीचे की ओर रखना है। अगर आपको फ्लैट लुक चाहिए तो आप स्ट्रेटनर को एकदम नीचे की ओर कर दोगे, अगर आपको थोड़ा सा बाउंसी लुक चाहिए आप 90 डिग्री पे करोगे, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगी। फिर से एक पोर्शन लेना है हेयर को, पीछे में भी हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया एंड जिस हेयर में मैं स्ट्रेट नहीं कर रही उसको टाई करके रख दीजिएगा, उसको भी छूना नहीं है आपको, यानी टच नहीं करना है। अब मैं अपनी स्टूडेंट लोग को समझा रही हूँ, उनको भी मैं 90 एंड समझा रही थी 0 डिग्री, तो आपको भी मैं समझा देती हूँ। इस तरह सबसे पहले तो आपको फास्ट मूवमेंट करना है स्कैल्प के पास, नेक्स्ट आपको इस तरह से एकदम, अगर आप इस तरह से लाते हो ना हेयर को, इस थोड़ा सा बाउंसी लुक आता है 90 डिग्री से हम बोलते हैं, एंड जब आप स्ट्रेटनर को नीचे रख दोगे इससे थोड़ा सा फ्लैट लुक आता है। अगर आपको पोकर स्ट्रेट हेयर चाहिए तो आप क्या करोगे, जो मैं प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ ना स्ट्रेटनिंग के, आपको रिपीट करना है, आपको दोबारा क्लाइंट को करना है, मतलब दो बार आप ये वाला प्रोसेस करोगे तब उनके हेयर पोकर स्ट्रेट हो जाते हैं, यानी 100% स्ट्रेट हो जाएंगे। सो, मैं जिस तरह से बता रही हूँ बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपका आने वाला है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियोस को डाउनलोड करके रख लो आप लोग, अगर आप नए आए हैं एंड आप पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हो एंड आप मेरी वीडियो से सीख सकते हो, आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, बस आपको सब्सक्राइब करना होता है एंड घर बैठे आप ब्यूटिशन कोर्स सीख सकते हो। धीरे धीरे आपको करना एकदम नीचे, मैं एकदम नीचे ला के कर रही हूँ, इससे थोड़ा सा फ्लैश लुक आता है। कॉम जो भी यूज़ करते हैं चीप कंपनी का यूज़ मत कीजिएगा, अदरवाइज होगा क्या, कॉम गल जाएगा एंड जो भी गले हुए पार्ट होते हैं वो हेयर में चिपक जाएंगे, इससे क्या होगा हेयर और ख़राब हो जाएगा। कॉम आप अच्छी ब्रांड के लेना, मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था, 300-400 का मुझे पड़ा था, 500 तक का भी आप ले सकते हो, मतलब अच्छी कॉम लीजिएगा, 20-30 रुपीज़ वाली मत यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ वो गल जाएगा तो हेयर में लग सकता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, सो, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ना मैं सब आपको बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट में रिप्लाई दूंगी। बात रही स्ट्रेटनर की, आप चाहे तो VNG की भी ले सकते हो स्ट्रेटनर, आप चाहे तो आइकॉनिक की टाइटेनियम भी ले सकते हो, आप चाहे तो एलन ट्रूमन की भी ले सकते हो, आप चाहे तो फिलिप्स के भी यूज़ कर सकते हो, सबका सब अच्छा होता है, बस मैं आइकॉनिक का यूज़ कर दूँ क्योंकि मेरे पास यही है। तो होता है ना, जो प्रोडक्ट हमारे पास रहता है हम उसी के साथ वर्क करते हैं एंड वो हमें अच्छा लगने लगता है। सो, बात वही है, मुझे आइकॉनिक बहुत अच्छा लगता है। इवन अगर आप आइकॉनिक का ग्लैम स्ट्रेटनर या फिर आइकॉनिक का S3 नाम से एक स्ट्रेटनर आता है आप वो भी यूज़ करोगे ना, उससे भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आइकॉनिक के जितने भी स्ट्रेटनर होते हैं सबके सब अच्छे होते हैं, बस होता क्या है ग्लैम जो है ना वो थोड़ा सा छोटा है तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से मैं इसे करती हूँ, अदरवाइज़ मैं दोनों का यूज़ करती हूँ। जब मैं रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग करती हूँ मेरा वर्क थोड़ा फास्ट हो जाता है। एंड आप अपने पार्लर में दो स्ट्रेटनर ज़रूर रखो, एक थोड़ा सा कम प्राइस वाला रख लेना, जैसे VNG का आप ले लेना या फिर वेगा का ले सकते हो, एंड एक थोड़ा सा महंगा ले लेना आइकॉनिक का। इससे क्या होगा, क्लाइंट अगर दो आ जाएंगे तो दोनों के हो जाएंगे, एक स्ट्रेटनर पर आप डिपेंड रहोगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बस आप सेक्शन क्लिप भी जो लोगे ना इस तरह के परचेस कीजिएगा, इससे क्या होता है हेयर निकालने में भी इजी रहता है। सो, एक तरफ के हमारे हो चुके, दूसरे तरफ मैंने अपनी स्टूडेंट को दिया था करने के लिए, सो, इस वजह से मैं आपको भी शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो बिगिनर थी तो उनसे इतने अच्छे से हो नहीं रहता, बाद में मैंने थोड़ा और अच्छे से कर दिया था। सो, कोई घबराने वाली बात नहीं, अगर आप भी बिगिनर्स है, आप पहली बार कर रहे हो मेरी वीडियोस को देखें, ज़रूरी नहीं जैसे मैं कर रही हूँ एकदम आपका हो जाए, 10% या फिर 20% कम ज़रूर होगा, बट होगा ज़रूर अच्छा। यहाँ पे मेरी स्टूडेंट कर रही है, ये लोग भी बहुत अच्छे से कर रही थी फर्स्ट अटैम्प्ट में भी ना, बहुत अच्छे से इन्होंने कैच कर लिए थे, बस थोड़ा सा स्लो थे आप देख सकते हो, तो इसलिए मैंने आज वीडियो कट नहीं किया, आपको भी समझ आ जाएगा। बस जब भी स्कैल्प के पास करते हो ना आप लोग बहुत ही आराम से कीजिएगा, अदरवाइज क्लाइंट को थोड़ा सा लग सकता है। ऑल राइट डन, अब हम आते हैं ईयर टू ईयर वाले पार्ट, यहाँ पे मैंने खुद से ले लिया है, मैं खुद से कर रही हूँ। आपको क्या करना है, टॉवेल इस तरह से क्लाइंट को बोलना है, टॉवेल रख लेने को ईयर के पास, अदरवाइज उनके ईयर के पास लग सकता है, ये सब एरिया बहुत सेंसिटिव होता है तो बड़े ध्यान से आपको करना है। बस टॉवेल बोलिएगा क्लाइंट को रख लेने को, बस इसी तरह से हम ईयर टू ईयर वाले भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे, सबसे पहले इस तरह से रूट एंड स्कैल्प के पास करेंगे, देन धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे। सो, बस हो गया हमारा स्ट्रेटनिंग एंड ये स्ट्रेटनिंग कम से कम आपके हेयर में 15 डेज तो इससे ज़रूर करेगा। Thank you.
सो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटनिंग हो रहा है, सो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आपको क्या करना है, फ्रंट के जो हेयर होते हैं उसको फ्रंट में लाके थोड़ा सा स्ट्रेट कर दीजिएगा एंड बैक में भी एक बार कर दीजिएगा सारे हेयर को लेके। बस लास्ट में आप सीरम या एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हो। आप सीरम के लिए स्ट्रिक्स के या फिर लॉरियल के यूज़ कर सकते हो, दोनों का दोनों बहुत अच्छा होता है। इससे जो भी बेबी हेयर्स होते हैं वो सारे हाइड हो जाते हैं एंड क्लाइंट के हेयर बहुत नीट एंड क्लीन लगते हैं। आप ये वाला प्रोसेस सीरम लगा के भी कर सकते हो, मैंने बस आप लोग को थोड़ा सा होता है ना DIY करके बता दिया कि अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। एलोवेरा जेल भी बहुत अच्छे से हेयर को प्रोटेक्ट करता है, प्लस स्ट्रेटनिंग जो आप करोगे ना बहुत देर तक टिकता भी है। सो बस यही है फाइनल कंप्लीट रिजल्ट। आई थिंक आपको ज़रूर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो इस तरह से आप भी अपने पार्लर में टेम्पोरी स्ट्रेटनिंग रख सकते हो। इसकी चार्ज आप 300, 400, 500 ले सकते हो। क्लाइंट का लेंथ देख लेना, अगर बहुत लंबा होगा तो मेहनत ज़्यादा रहेगी तो आप चार्ज ज़्यादा ले लेना, हेयर छोटे तो आप कम भी ले सकते हो। बस आपके एरिया पर डिपेंड करते हैं क्या चार्ज है। मैं तो 300, 400, 500 तीनों लेती हूँ, क्लाइंट का लेंथ देखती हूँ उसके अकॉर्डिंग करती हूँ। मैं इस लेंथ का 400 रुपीज़ लेती हूँ। बस ये फाइनल कंप्लीट रिजल्ट। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो क्या करना है आपको, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करते हो मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड उसके बगल में बेल आइकन रहता है उसको हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई फ्यूचर वीडियो मिस नहीं हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।